कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में नए ट्रेंड का स्थापना करते हैं, नए ट्रेंड को स्टार्ट करते हैं। उसी में से एक ब्रांड है सबवे। फास्ट फूड के सेक्टर में सबवे दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे मानी जाती है। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ईट फ्रेश, हर चीज फ्रेश देते हैं। एंड सबवे का एक सबसे बड़ा खास चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी सबवे के स्टोर पर गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा वो बर्गर अगर बना रहे हैं तो हर चीज वो पूछेंगे आपसे, इसमें कैपेचिनो डाल दें, इसमें चीज डाल दें, कौन सा चीज डालें, ये बहुत टाइप के वेराइटी जो उनके यहाँ होता है वो हर चीज वो पूछ पूछ कर डालते हैं और जो कुछ भी रहेगा वो आपके सामने में बनेगा। बाद बाकी आपने बर्गर के स्टोर्स में देखे होंगे आपने या जो कुछ भी फास्ट फूड वाले में, वो पीछे किचन होता है एंड वहाँ से बन के आता है और कस्टमर को मिलता है। पीछे उसने क्या डाला, कैसा डाला, हाइजीनिक था कि नहीं था, कि घपला घोटाला कर दिया, कौन देखने के लिए जा रहा है, इसी चीज़ के लिए तो जाना जाता है सबवे। सबवे अपने क्लाइंट के सामने में ही ऑन काउंटर वो हर एक एक चीज़ों में से उठा उठा के वो चीज़ों को रखता है, यानी कि आप कैसे एक बर्गर बनता है वो आप बनता हुआ देख सकते हैं। आपके सामने में चीज़ें डल रही हैं तो आपको ट्रस्ट भी है, आप देख भी रहे हैं कि वो जो हरी हरी सब्जियां उसमें डाल रहे हैं वो हरी हैं भी या बस ऐसे ही। तो यही तो खासियत है सबवे जैसे ब्रांड का। बात की जाए सबवे ब्रांड की तो 1965 में इस ब्रांड की स्थापना हुई थी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो हजारों इनके फ्रेंचाइजी हैं और इंडिया की अगर बात की जाए तो लगभग 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी अभी की डेट में अवेलेबल है। अगर सबवे फ्रेंचाइजी के लोकेशन की मैं बात करूं, किस टाइप का लोकेशन में आपको ओपन करना चाहिए, तो देखिए मेरे नजर में इसके लिए सबसे जो परफेक्ट लोकेशन है वो है सिनेमा हॉल। आप जैसे पीवीआर हो गया या कोई सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सबवे बहुत ही ज्यादा चलने वाला में से एक ब्रांड है। दूसरा हो गया इसमें मॉल्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें आता है एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए या इस टाइप का कोई कॉलेज का कैंपस हो गया, जैसे न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास में आपने जरूर इस टाइप के स्टोर्स कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, विश्वविद्यालय के आसपास में। तो इस टाइप का लोकेशन में अगर आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इस टाइप के सोसाइटीज के आसपास में ओपन कर रहे हैं जहां पर 20,000 50,000 या लाख लोग एक साथ कहीं पे रह रहे हैं, जैसे नोएडा जैसी सोसाइटीज हैं, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो वहां पर भी इस टाइप की बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पर लोग हजारों की संख्या में रह रहे हैं एंड वहां पे एक मार्केट है। उस मार्केट में अगर इस टाइप की आप स्टोर्स को ओपन करें, खास करके सबवे, तो उसको चलने से कोई भी नहीं रोक सकता, वहां पे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। बात की जाए कि कितना एरिया चाहिए, तो बहुत ही कम एरिया में सबवे अपने स्टोर को ओपन करवाता है। जनरली 150 स्क्वायर फीट यानी कि 160-170 स्क्वायर फीट के आसपास का स्पेस होता है एंड किचन तो इसका होता नहीं है, तो सारा स्पेस तो बच गया जो कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल रखने का हो गया, काउंटर हो गया एंड जो भी बनाना है वो सामने में ही तो बन जाता है। छोटा मोटा आपको जो ओवन चाहिए होगा तो वो किनारे में आप रख सकते हैं, तो इसीलिए 150-170 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया कियोस्क के लिए बढ़िया होता है। लेकिन अगर आप इसके नॉन कियोस्क वर्जन में जाना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स आके बैठ के सबवे के बर्गर का मजा लें, एंजॉय करें, तो उसके लिए जो आपका एरिया है वो लगभग 350-400 स्क्वायर फीट का आपका एरिया होना चाहिए। टोटल देख लीजिएगा कि आपके इलाके में इतना बेनिफिट देने वाला है भी कि नहीं, क्योंकि सबवे का जो फ्रेंचाइजी है थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता है। सबवे का जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, तो सबसे पहले इसमें आता है स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया ऑफिस गोअर्स माने ऑफिशियल लोग जिसको हम वर्किंग क्लास भी बोलते हैं, तीसरा इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वर्क फ्रॉम होम वाले, जो भी ये पर्सन हैं, ये लोग हैं, ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस टाइप के ऑनलाइन चीजों को मंगवा के खाने का। आप लोग भी करते होंगे, हम लोग भी मंगवाते हैं। बजट सेवी कंज्यूमर बहुत सारे लोग होते हैं कि बर्गर तो खाना चाहते हैं लेकिन पैसा हम ज्यादा नहीं देंगे, उनके लिए सबवे से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, शॉपिंग मॉल एटसेट्रा, इन सारे जो भी मैंने नाम गिना है यही आपका टारगेट कंज्यूमर होगा, यहीं से आपके ऑर्डर्स मिलेंगे, ज्यादा ज्यादा आपके सेल्स जनरेट होंगे। बात की जाए कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, देखिए सबवे का अगर आप बड़े लेवल का स्टोर ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो 25-30 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन अगर आप छोटे लेवल का स्टोर आप ओपन करने के लिए जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम आपको हो जाएगा। अगर आपके पास इतना पैसा ना हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भारत सरकार का CGTMSE एक स्कीम है, आप इसके तहत 2 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है और भी काफी कुछ समझना है तो माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको लोन से रिलेटेड हर टाइप के डॉक्यूमेंट आपको बनाकर आपको दिए जाते हैं जिससे आप लोन प्राप्त कर सकते हैं।
कंपनी की तरफ से आपको हर टाइप का सपोर्ट मिलेगा, वो चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, स्टाफ का हायरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई। एंड चूंकि ब्रांडिंग की बात की जाए तो सबवे इतना बड़ा ब्रांड है, तो इसके ब्रांडिंग का तो आपको कॉम्पिटेटिव बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। दूसरी बात अगर की जाए कि कितना प्रॉफिट का मार्जिन रहेगा, तो लगभग 40% से 50% का मार्जिन है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कम इस टाइप के सेगमेंट में, फास्ट फूड वाले में इतना मार्जिन ये लोग देते हैं, लेकिन सबवे में यही खासियत है कि 40 से 50% तक का मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है। इतना जानने के बाद आप जरूर जानना चाहते हो कैसे अप्लाई करें आप। सबवे फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप यहां पर जब आएंगे तो इसका जो लिंक है, मैं आपको बता दूं, इसका लिंक है subway.com/franchisee-contact, इस तरीके का इनका एक लिंक है। यहां पर आप आएंगे तो पूरा डिटेल यहां पर दिया हुआ है। इंडिया टेरिटरी के लिए यहां पर एक एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली सेल्स मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट में, चूंकि विदेश की कंपनी है ये, वहाँ भी दिया हुआ। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में ओन अ फ्रेंचाइजी पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख रहा है वांट टू ओन योर ओन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना है। अब इसके बारे में आप ज़्यादा जाकर डिटेल पढ़ लीजिएगा। फिलहाल में अगर आपको चाहिए होगा फ्रेंचाइजी तो सीधा आप इस वाले ईमेल पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको कंपनी की तरफ से कॉल बैक किया जाएगा, प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, फाइनेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके भी वेरिफिकेशन होंगे, एंड सब कुछ जब ठीक ठाक रहा तो आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।